हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजय कोलाइडा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम व सभी प्लेटफॉर्म पर सॉन्ग अपलोड करते हैं उनको अपलोड करना बताऊँगा या आपको सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करना इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, जिस भाइयों ने मेरे से डैशबोर्ड लिया था, ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने डैशबोर्ड ले लिया है परंतु उनसे जो सॉन्ग है वो अपलोड नहीं हो रहे। तो सभी भाई मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि भाई सॉन्ग कैसे अपलोड करें। तो वह भाई इस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सॉन्ग को अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोफाइल उसकी सॉन्ग का जो थंबनेल है उसको साइज में कट करना है, कैसे सॉन्ग को कन्वर्ट करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिस भाई को ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैंने यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे दे रखा है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं। आप मुझको वहाँ से या तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना या कॉल कर देना, मैं आपको ओरिजिनल डैशबोर्ड बना के दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया अपने पीसी के स्क्रीन पर, अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको खुल के बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सॉन्ग अपलोड करना है सभी प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप अपलोड करना चाहते हो सभी पे आप अपलोड कर सकते हो। तो हमें उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले डैशबोर्ड बनाना है। अगर किसी भाई को ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए वो मुझे यहाँ पे नीचे जो नंबर दे रखे उन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना है एसटी डिजिटल डैशबोर्ड। और दोस्तों, आप इसको अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, आप आसानी से मोबाइल के अंदर भी अपलोड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पीसी यानी अपने लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है एसटी डिजिटल डैशबोर्ड। देख सकते हो दोस्तों, एसटी डिजिटल डैशबोर्ड, हमें सिंपली इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप एसटी डिजिटल डैशबोर्ड सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ओपन होगी। तो हमें यहाँ पे किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, हमें केवल सबसे ऊपर जो लिंक या वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। तो हमें सबसे पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जिससे सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो अपने पास हमारा एक इंटरफेस खुलकर ओपन होएगा। जैसे ओपन होएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइन अप या लॉगिन। तो हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे सॉन्ग को अपलोड करना है। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 68 सॉन्ग यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस पे अपलोड हो जाते हैं, वो भी एक घंटे के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूं जो सॉन्ग मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको दिखा दूं। देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं वो यहाँ पे खुलकर ओपन हो चुके हैं। देख सकते हो दोस्तों, नेट सोलर चल रहा है इसलिए उनकी इमेज यहाँ पे खुल नहीं रही है। तो अब हमको जाना है यहाँ पे सॉन्ग को अपलोड कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमें उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देगा नई रिलीज का। अगर किसी भाई को नई रिलीज का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो उसको सबसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर किसी भाई का एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पे नीचे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, मैं उसका एग्रीमेंट करके दूंगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले न्यू रिलीज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रिलीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, बंडल म्यूजिक, मल्टीप्लाइड रिलीज म्यूजिक और यहाँ पे कम्पलीशन। तो हमें सबसे पहले बंडल म्यूजिक पे क्लिक करना है। जैसे वर्ल्ड म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऐसे इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। जैसे इसको हमारे पास ऐसे इंटरफेस ओपन होता है तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा करेक्ट रिलीज, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा टाइटल फॉर दिस रिलीज, तो हमें यहाँ पे वही टाइटल लिखना है जो हमारा सॉन्ग का है। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ, दोस्तों मैं यहाँ पे अपने राजस्थानी जो सिंगर है केआर देवता उसका सॉन्ग यहाँ पे, मीणावटी जो सिंगर केआर देवता उसका सॉन्ग मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा। तो मैंने उसके सॉन्ग का यहाँ पे टाइटल डाल दिया है और यहाँ पे क्रिएट रिलीज पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जेट म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक और म्यूजिक, तो हमें यहाँ पे म्यूजिक पर ही रहने देना है और यहाँ पे क्रिएट रिलीज पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट रिलीज पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। देख सकते हो हमारा सॉन्ग का यहाँ पे एक यहाँ पे प्ले लिस्ट की तरह यहाँ पे बनकर आ चुका है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिखाई देगा पेंसिल का आइकन, एडिट व्यू एवं डिलीट, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक और नया इंटरफेस खुलकर ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे इन सभी फॉर्मों को यहाँ पे फिल करना है। तो मैं आपको एक एक चीज फिल करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में यहाँ नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के लिए एल्बम इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप योर फाइल आएगी, तो हमें इस पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो अपना यहाँ पे फाइल मैनेजर खुलकर ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो भी फोटो आप सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इमेज पे क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। देख सकते हो दोस्तों हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको रिलीज टाइटल, तो टाइटल आपको वही रखना है जो आपने पहले रखा था, वो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाता है। अब यहाँ पे वर्जन सबटाइटल, तो हमें यहाँ पे किस प्रकार का हमारा सॉन्ग है तो वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पे राजस्थानी डाल देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ प्राइमरी आर्टिस्ट, जो भी आप जिस नाम से आप अपने सॉन्ग को सर्च करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मेरा, देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। अगर आप और भी आर्टिस्ट यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के निशान में दबा के इस तरह आप दबा के यहाँ पे और भी आर्टिस्ट का नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं जोड़ना चाहता। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्टर, तो हमें इस पर कुछ नहीं करना, आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा जनरल, हमें इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको वर्ल्ड सेलेक्ट कर देना है। जैसे वर्ल्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सब जनरल में भी अपने आप वर्ल्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाई देगा लेवल नेम, तो हमें यहाँ पे अपना जो भी लेवल का नाम है उसको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे फॉर्मेट में सिंगल ही रहने देना है। तो अब यहाँ पे दिखाई देगा फिजिकल ओरिजिनल रिलीज डेट, हमें यहाँ पे ओरिजिनल रिलीज डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दिखाई देगा पी लाइन, तो हमें यहाँ पे अपने लेवल का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे अपने लेवल का नाम डाल देता हूँ। दोस्तों आपको अपने लेवल का नाम डाल देना है। दोस्तों इसको कॉपी करके यहाँ पे सेकंड जो सी लाइन है इस पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको दोनों जगह एक ही नाम डाल देना है लेवल का नाम। अब यहाँ पे दिखाई देगा प्रोडक्शन ईयर्स, हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे 2022 आप जिस ईयर्स में अपना सॉन्ग अपलोड कर रहे हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे दिखाई देगा UPC EN, अगर आपने पहले सॉन्ग अपलोड करके तो आप यहाँ पे उनका UPC डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोड्यूसर कैटेगरी नंबर, आपका सॉन्ग कितने नंबर का है वो आप यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे 69 नंबर का 69 डाल देता हूँ और आपको नीचे के यहाँ पे सेव क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो
हमने जो भी प्रोसेस किया था वो यहाँ पे रिकॉर्डेड अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप अपलोड इस स्टेप पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना सॉन्ग जो भी सॉन्ग है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ क्लिक है टू लॉन्च द अपलोडर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप यूअर फाइल सेलेक्टेड फाइल अपलोड, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी फाइल में से जो भी अपना, तो दोस्तों हमें यहाँ पे अपना सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों मेरा ये सॉन्ग है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको इस सॉन्ग को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, मैंने उसके लिए यहाँ पे वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे आई बटन पे भी दे दूंगा, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैंने वहाँ पे इसकी लिंक दे दी है। हमें इस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा सॉन्ग आ चुका है। अब यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो हमारा सॉन्ग यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा सॉन्ग यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सॉन्ग को अपलोड होने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सॉन्ग कन्वर्ट करना नहीं आया तो मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है, और आप एल्बम को भी यहाँ पे साइज चेंज कर करके डाल देना है। तो दोस्तों चलो सॉन्ग को अपलोड होने देते हैं। दोस्तों देख सकते हो हमारा सॉन्ग यहाँ पे अपलोड हो चुका है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडिट असिस्टेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड ट्रैक पे क्लिक कर देना है, और हमें यहाँ पे इन सभी फॉर्मों को भर देना है। हमें यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर टाइटल, तो टाइटल यहाँ पे अपने आप फिल हो जाता है, और यहाँ पे वर्जन सब टाइटल पे यहाँ पे राजस्थानी रहने देना है। प्राइमरी स्टेट पे अपना नाम डाल देना है, और यहाँ पे एक्टर और फिल्म डायरेक्टर को यहाँ पे खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे राइटर पे जो भी आपका सॉन्ग का राइटर है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे कंपोजर व म्यूजिक डायरेक्टर पे भी आपको इसी नाम को डाल देना है। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर पे जो भी आपका आर्टिस्ट है या लेवल का जो भी डायरेक्टर है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, आपको भी इसी प्रकार यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पे फी लाइन पे अपना लेवल का नाम यहाँ पे डाल देना है, और प्रोडक्शन ईयर पे आपको 2022 सेलेक्ट कर देना है, और पब्लिशर पे आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। देख सकते हो दोस्तों मैंने सभी को फिल कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको यहाँ पे नो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों को खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे ट्रैक लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको जिस प्रकार का आपका सॉन्ग है उसको सेलेक्ट कर देना है। मेरा यहाँ पे राजस्थानी सॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे राजस्थानी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्राइस टीगर पे शिखर से रहने देना है, और रिलीज डेट पे क्लिक कर देना है। जैसे रिलीज डेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे तो आपको यहाँ पे स्टोर पे क्लिक कर देना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपको देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर आपको दिखाई देगा, तो आप जिस स्टोर पे आप अपने सॉन्ग को नहीं डालना चाहते उसको यहाँ पे आप हटा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सभी स्टोर पे अपने सॉन्ग को डालना चाहता हूँ, तो मैं सभी को सेलेक्ट रखता हूँ, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमारे पास लास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा सबमिशन, हमें इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे एक ही रोड दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे
सेलेक्ट सॉन्ग पे क्लिक करके अपने सॉन्ग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबमिट माय रिलीज, हमें इस पर क्लिक कर देना है और इसको नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको टिक लगा के सबमिट माय रिलीज पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट माय रिलीज पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो दोस्तों अपना हमारा सॉन्ग यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जैसे आप ऐसे अपलोड करोगे तो आपका सॉन्ग एक दो घंटे के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।